जय हिंद प्यारे साथियों। दोस्तों आज जो हम बातें करेंगे वह सामान्य अध्ययन से जुड़ी कुछ बेसिक बातों को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इस मानचित्र को आप भली भांति देख रहे हैं कि यह भारत का मानचित्र बना हुआ है और दोस्तों इस भारत के मानचित्र में हमने कुछ लाइन ड्रॉ की रखी है। दोस्तों ये जो हमने लाइन ड्रॉ को दर्शाया है किस चीज को इंगित करता है, तो दोस्तों ये NH जो होता है जिसे बोलते हैं नेशनल हाईवे, उसी को इंगित करता है। तो हम यह क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों परीक्षाओं में क्वेश्चन बनेंगे कि भारत की सबसे लंबी NH कौन सी है या फिर भारत की सबसे लंबी जो NH है कितनी किलोमीटर लंबी है, या यदि और घुमावदार क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो वहां पर क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि भारत के टॉप 5 लंबी NH को क्रमवार सजाए। तो दोस्तों आइए जरा हम वही देखने का प्रयास करेंगे कि भारत के वह टॉप 5 लंबी NH कौन सी है, आइए जानते हैं। दोस्तों इस बातों को आप बेसिक स्ट्रक्चर से समझना चाहते हैं तो समझिए कि सबसे पहले ऐसे कीजिएगा तो समझिएगा कि ये NH जो होगी सबसे लंबी है। दूसरी ऐसे कीजिएगा, समझिए कि यह NH दूसरी सबसे लंबी है। और दोस्तों तीसरी इस प्रकार से होगा, तीसरी NH लंबी और ये होगा NH चौथी लंबी होगा, यानी लंबाई के आधार पर चौथा श्रेणी रखता है। और दोस्तों ये नीचे एक इस प्रकार से आएगा, यह आपका हो जाएगा भारत की पांचवी सबसे लंबी NH। क्या देखा, ये मिडल वाला जो है दोस्तों यह NH भारत की सबसे लंबी NH होगी, ये NH जो होगी भारत की दूसरी लंबी NH हो जाएगी और ये भारत की तीसरी लंबी NH होगी, ये भारत की चौथी लंबी NH होगी और ये भारत की पांचवी लंबी NH होगी। तो दोस्तों आइए जरा भारत के मानचित्र पर देखते हैं। दोस्तों आप रेड कलर में देख रहे हैं उत्तर से दक्षिण जो NH गुजर रही है यही भारत की सबसे लंबी NH है। दोस्तों इस NH को कहते हैं NH 44 यानी NH 44, यह भारत की सबसे लंबी NH है जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। तो आप वन लाइन समझ गए कि भारत की सबसे लंबी NH जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है NH 44 है। और इसका लंबाई यदि देखेंगे तो दोस्तों लंबाई 3745 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों अब देखते हैं भारत की दूसरी सबसे लंबी NH। दोस्तों भारत की दूसरी सबसे लंबी NH को आप कुछ इस प्रकार देख रहे हैं, यह है भारत की दूसरी सबसे लंबी NH जो असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक जाती है। भारत की दूसरी सबसे लंबी NH जो है असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक जाती है NH 27 है, NH 27 यह है, आप यह देख लिए हैं दूसरी सबसे लंबी NH को देखे हैं। अब दोस्तों इसके बाद की कड़ी में देखेंगे तो भारत की तीसरी सबसे लंबी NH कौन है, तो आप देख सकते हैं ये भारत की तीसरी सबसे लंबी NH है, हमने इस प्रकार बताया था तो यह भारत की तीसरी सबसे लंबी NH है। इस NH को 52 कहते हैं, NH 52 भारत की तीसरी सबसे लंबी NH है जो पंजाब के संगरूर से कर्नाटका के अंकोला तक जाती है। भारत की तीसरी सबसे लंबी NH पंजाब के संगरूर से कर्नाटक के अंकोला तक जाती है, यह NH है 52, समझ गए। अब दोस्तों भारत की चौथी लंबी NH देखिए, तो भारत की चौथी लंबी NH देख रहे हैं यह उत्तराखंड के
सितारगंज से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक जाती है। भारत की चौथी सबसे लंबी एनएच उत्तराखंड के सितारगंज से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक जाती है। यह एनएच 30 है, यानी एनएच 30 है, समझ गए। यह भारत की चौथी लंबी एनएच। अब दोस्तों भारत की पांचवी लंबी एनएच देखिए, यह है भारत की पांचवी लंबी एनएच। अब दोस्तों भारत की पांचवी लंबी एनएच कोलकाता से गुजरात के सूरत तक जाती है, इसको एनएच 6 कहते हैं। दोस्तों आपने माइंड में इस प्रकार मेकअप कर लिया, क्या फिर भी आप इस अधेड़ गुण में पड़े हैं कि किस प्रकार याद करेंगे? तो दोस्तों घबराना नहीं है, आइए जरा कुछ और लॉजिक लगाते हैं। देखिए यह है सबसे लंबी यानी पहले स्थान वाली, यह है दूसरे स्थान वाली, यह है तीसरे स्थान वाली, ये चौथे और ये पांचवे। दोस्तों पहले स्थान वाली यानी सबसे लंबी जो एनएच है, ये सिर्फ याद रखिए कि एनएच 44, यानी एनएच 44 भारत की सबसे लंबी एनएच है। और दोस्तों दूसरी लंबी कहना है तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिए कि 44 का हाफ कीजिए, 44 का आधा कीजिएगा दोस्तों, तो 22 हो, यानी 22 के आसपास, तो कह दीजिए आसपास है, आगे पीछे 27 तो कह सकते हैं। तो भारत की सबसे लंबी एनएच उसकी लंबाई कितना है, उस मतलब कौन सा एनएच है, तो वो हो गया 44। दूसरी तो उसका आधा कर दिए, उसके आगे पीछे देख लीजिए, तो 44 का आधा हो गया 22, इसका मतलब आगे पीछे तो थोड़ा बहुत है, तो 27 आप कह सकते हैं, 27 वाला हो गया दूसरा सबसे लंबी। तीसरा, अब दोस्तों यहाँ पर हाफ करके देखे थे आगे पीछे, और यहाँ पर इसका दुगुना करके आगे पीछे देखे, तो 27 का दुगुना हो जाएगा कितना, 54, तो 54 के आसपास है 52, तो तीसरा सबसे लंबी एनएच हो जाएगी एनएच 52। क्या देखा, भारत की सबसे लंबी एनएच कौन सी है, एनएच 44, दूसरी सबसे लंबी, तो 44 के आधा कर दीजिए और आगे पीछे देखिए, 44 का आधा होता 22, इसका मतलब 27 है, तो एनएच 27 भारत की दूसरी सबसे लंबी एनएच है। तीसरी में क्या कहते, 27 का दुगुना की जगह था 54 उसके आसपास, तो भारत की तीसरी सबसे लंबी एनएच है एनएच 52, यानी 52, 54 के आसपास है तो 52 हो गया। अब तीसरी दोस्तों उसी का आधा कीजिएगा, तो 26 देख रहे हैं, 26 के आसपास देखे दोस्तों, 30 आ रहा आसपास, इसका मतलब 30 वाला हो गया कितना, एनएच 30 वाला हो गया चौथा स्थान रखने वाला। क्या बताया कि भारत की सबसे लंबी एनएच जो है वह है एनएच 44, दूसरी सबसे लंबी एनएच कौन सी होगी, तो एनएच 27 होगी, तीसरी सबसे लंबी एनएच कौन होगी, तो एनएच 52 होगी, और चौथी सबसे लंबी एनएच कौन होगी, तो एनएच 30। अब पांचवी तो बिल्कुल आसान है, एनएच 6 जो छोटी है, तो हो गया पांचवी सबसे लंबी एनएच। दोस्तों इस प्रकार से आपने देख लिया, तो एनएच 44 एनएच 44 का लंबाई है 3745 किलोमीटर, एनएच 27 का लंबाई है 3507 किलोमीटर, एनएच 52 का लंबाई है 2807 मीटर, एनएच 30 का लंबाई है 2040 किलोमीटर, और एनएच 6 का लंबाई है 1873 किलोमीटर। तो दोस्तों इस प्रकार हमने अभी समझा कि भारत के टॉप 5 एनएच को देखा लंबाई के मामले में। तो आपको दोस्तों यह वीडियो देखकर कुछ नया चीज सीखने को मिला होगा। दोस्तों इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, और हम आपके लिए विभिन्न तरहों की वीडियो लाएंगे और आपके ज्ञान में भी उत्साहवर्धक एनर्जी हम झुकने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप जिस तरह हमें अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं उसी तरह देते रहिए। पुनः आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।